गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। मैं गाड़ी में हूँ और पिछला व्लॉग भी गाड़ी में शुरू हुआ था, ये वाला व्लॉग भी गाड़ी में ही शुरू हुआ। उसका कारण ये है कि मेरे को एक्चुअली अंधेरी साइड आना था, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है विच इज एट 11 AM, बट उनका मैसेज है कि 11:30 तक आ जाओ चलेगा। सो आई एम बेसिकली आई वॉज एक्चुअली रनिंग लेट क्या भाई, मैं 8:30 बजे अपने घर से निकल गया था, बट इतना ट्रैफिक है और बारिश भी हो रही है ना ऊपर से, तो इसीलिए हर जगह छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ जाम जो है हो रखे हैं। एनीवेज गुड थिंग इज कि उनकी तरफ से पहला मैसेज आ गया कि भाई आप थोड़ा सा लेट आ सकते हो, बट द थिंग इज कि मैं बिना कुछ खाए पिए निकल गया था, ज्योति की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने उसको उठाया नहीं बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू रेस्ट। मैं कहा चल वहीं पहुँच के कुछ खा लूँ और कॉफ़ी पी के निकला था मैं घर से, एंड अभी बस आई एम ऑन द वे, आई विल ईट समथिंग। आज क्या है, आज मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट एक ऑडिशन है, एंड देन आई हैव अ शूट टूडे। यस आई एम शूटिंग टूडे, इट्स एन एड शूट फॉर वन प्लस ईयरपॉड्स, उनको ईयरपॉड्स बोलते हैं, हाँ ईयरपॉड्स बोलते हैं ना, वो समझ गए ना आप लोग, वो कान में ठूसने वाले और जिग 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 गाने सुनने वाले जिसमें तार वार नहीं होती सिर्फ हवा में, एयरपॉड या समझ गए ना आप, मतलब उसका शूट है। इट्स अ नाइट शिफ्ट। ओ माय गॉड, मेरे को सोच के वो रही क्यों, अब देखो अब मैं सुबह 7 बजे का उठ रहा हूँ, तैयार होकर निकल चुका हूँ, मेरे को ये दो काम निपटाने हैं, फिर मैं जाके और जहाँ शूट है वो है मड आइलैंड, वो भी यहाँ से काफ़ी 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, एंड शूट पे जाऊँगा, उसके बाद हमारी नाइट शिफ्ट है तो यानी सुबह तक शूट चलेगा, फिर मैं अपने घर जाऊँगा। सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग एंड अ टायरिंग डे। और एक बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये हुई है कि मेरी आदत है मैं बहुत पानी पीता हूँ ना, सुबह सुबह उठते ही पानी पी लेता हूँ, और अब मुझे बहुत जोर की लगी है लघु शंका, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ, जिससे कि सबसे पहले आई वुड वॉन्ट टू फील रिलीव्ड फ्रॉम द लघु शंका का प्रेशर। फाइनली आई हैव रीच्ड, मैं अब जल्दी से जाता हूँ और मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज आई नो कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है, कपड़े चेंज हो गए, उसका कारण ये है कि मैं अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद मैं चला गया अपना ऑडिशन देने के लिए, और मेरा ऑडिशन भी डन हो गया है, नाउ आई एम ऑन द वे टू शूट। अब जो मेरा शूट जहाँ पर है बेसिकली एड का, जो मैंने आपको दिन में बताया था, दैट इज़ इन मड आइलैंड, और उसके लिए मुझे अभी 1-1.5 घंटा और ट्रैवल करना पड़ेगा, और मड आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, सो इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, लंच मैंने कर लिया था, आई हैड पास्ता फॉर लंच, तो अब मैं मैकडॉनल्ड्स में रुक गया हूँ, आई जस्ट क्विकली ग्रैब अ कॉफ़ी एंड अ बर्गर फॉर द वे, जिससे कि मैं आराम से जाते जाते आराम से ड्राइव करते करते जो है चिल करते हुए जाऊंगा, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम, मेरे कॉल टाइम एक्चुअली 8:30 का है, आई थॉट इट 6:30, बट व्हाट आई डू इज आई रीच देयर एंड देन आई विल स्लीप फॉर सम टाइम, बिकॉज आई नीड रेस्ट, बैडली नीड रेस्ट, बिकॉज आई हैव अ होल नाइट टू शूट। तो अभी जल्दी से चलते हैं, पहले एक बर्गर और एक कॉफ़ी अपनी फेवरेट जो मैकडॉनल्ड्स की है वो उठा लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, पुचकी ढक्कन खुल गया बे बिना बताए, कॉफी अपन ले लिए हैं रास्ते के लिए, अभी निकलते हैं यहाँ से और सेट पे पहुँचा जाए टाइम से पहले और फिर वहीं जाके हम थोड़ी सी निंद्रा ले लेंगे, और क्या करें, पहले रिवर्स ले लें गाड़ी, अब घुमाई के मेन रोड पे ले ही लेते हैं। चलो लेट इट्स गो, इट बिफोर इट स्टार्ट्स पोरिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड आई एम स्टक ऑन द वे, लेट्स जस्ट रीच आर डेस्टिनेशन। उधर गड्डी जो है सड़क दे विचो विच पा के ओ मुंडा छुट्टा मार दे पे, ए कोई गलत गल हुई, मेरी पंजाबी सच सच बताना तो तुहानू, मेरी पंजाबी बड़ी सोहनी लगती होगी, जे तुहानू ठेठ पंजाबी आउंदी आ ते तुसी तुहानू लगदा होगा जे जिवें मैं पंजाबी दा मजाक उड़ा रहा सी, पर पर ऐदा नहीं हैगा, ऐदा दा नहीं हैगा, मैं दिलों च पंजाबी बोली बोलण दी कोशिश करता सी। I should stop here. I'll drive now. गाड़ी चलाते चलाते यहाँ भी दर्द होना शुरू हो गया। आई बस कितना देर, आई थिंक 3 minutes मोर देन आई रीच ऑन द सेट्स, आई जस्ट टेक अ पावर नैप, अ गुड सॉलिड 1 घंटे की पावर नैप मिल जाए ना, फटाक से फ्रेश होके उठेगा मैं, रेडी फॉर वर्क। मैं बहुत टाइम बाद मड आइलैंड की तरफ आ रहा हूँ, काफ़ी सारे शूट्स होते हैं यहाँ पे मड आइलैंड की तरफ। ओके गाइज, आई हैव रीच्ड एंड आई एम फुल ऑफ टायर्ड,
पहुंच गया हूँ टाइम से काफ़ी पहले, 8:30 बजे का कॉल टाइम है मेरा और मैं 5:30 बजे यहाँ पहुंच चुका हूँ। सो प्रॉब्ली अब आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू टेक रेस्ट। दिस इज माई वैनिटी रूम, ये है मेकअप होने वाला एरिया इधर से, एंड दिस इज बेड, दिस इज अ चेयर टू सिट, दैट्स द एसी, वॉशरूम है इधर पीछे। तो ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और सो जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलता हूँ। थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ सेट का, आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि ये देखो ये पूरी तैयारी वैरी चल रही है सेट की। यहाँ पे लिखा आर्टिस्ट, ये देखो पूरी तैयारी वैरी चल रही है, शॉट्स वगैरह की रेडी हो रहा है सब। सो आई जस्ट केम टू द टेरेस देखने के लिए कि कैसा माहौल है, मज़ा आ गया, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। बट आई नो आप लोग बोलोगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जा नहीं रहा हूँ सोने के लिए, लेकिन अब खाने जा रहा हूँ सोने के लिए। अब मैं सही में बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। हेलो गाइस, आई हैव फाइनली वोकन अप। मैं सोया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद 10 मिनट के लिए सोया हूँ, बट आई जस्ट केप्ट लाइंग डाउन और मैंने अपनी आंखें बंद रखी थी, जिससे कि ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा इंटरनली भी रेस्ट मिल गया। एंड एक्चुअली बाहर सेटअप वेटअप चल रहा था, बहुत शोर हो रहा था, उससे मेरे को ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आई, बट आई एम फीलिंग वे बेटर देन वॉट आई वॉज फीलिंग बिफोर आई स्लेप्ट, सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी शाम के ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, तो अब मैं जाता हूँ कॉस्ट्यूम्स के लिए, लेकिन उससे पहले एक फ्रूट मंगाया है खाने के लिए, वो खाऊंगा और मैं जाऊँगा सीधा फिर कॉस्ट्यूम्स। ऑल राइटी गाइस, डन विद द मेकअप। अब आई थिंक थोड़ी देर में डिनर लग जाएगा और आई थिंक डिनर के बाद मेरा शॉट लगेगा, आपके भाई का शॉट लगेगा। सो भाई लोगों, अपना डिनर रेडी है। आई एम टेकन 1 सादा पराठा, सैलेड, चिकन, दिस इज पनीर, सो दिस इज माई डिनर फॉर टुनाइट। तो ये है थारे भाई जोगिंदर की फाइनल लुक, ठीक है ना, बस थोड़ी सी दिखा देता हूँ, बाकी जब फाइनल एड आएगा उसमें देख लेना। ये एड वैसे दिवाली के लिए है, दिवाली, हैप्पी दिवाली के लिए। What is up guys? Okay, one second. So this is day 2. और आप लोग सोच रहे होंगे जो लास्ट शॉट था उसमें तो मैं डिनर करके अपना शॉट देने गया था अपने एड शूट के लिए, बट हुआ ये कि उसके बाद हमने लगातार जो है काम किया और मैं ना अपना फ़ोन लेकर गया था ऊपर, ना अपना कैमरा लेके गया था ऊपर, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई वर्क। एंड शूट करते 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 एंड ऑल्सो देर वॉज अ कैट विच वॉज बींग यूज अलॉन्ग विद मी इन द शूट। वो जब एड आएगा फाइनल तो आपको पता लगेगा कि कैट का क्या रोल था उस एड के अंदर। तो हम शूट करते करते हमारा काम पूरा नहीं हो पाया, और नाइट शिफ्ट में क्या होता है, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता आपको 6 बजे तक यानी सनराइज के पहले पहले तक अपना पूरा काम निपटाना होता है। तो हमारा कल नहीं हो पाया, हमारे 1 या 2 शॉट बचे थे। सो उसी कारणवश अब हमें आज भी शूट करना पड़ रहा है, बट लकीली वी हैव अ लाइट डे टुडे। एंड मुझे 5 बजे सेट्स पे बुलाया गया है, और आप मानोगे नहीं कि मैं कल यानी कि आज सुबह जो है 6 बजे वहाँ से निकलने वाला था कि मुझे पता लगा कि मेरी थोड़ी फ़ोटोज़ खींचनी है, वो उनको फ़ोटोज़ भी चाहिए थी, तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई कुछ थोड़ी सी, और वो निकलते करते मुझे 7 बज गए वहाँ से निकलते निकलते, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock में वहाँ से निकला था। और गाइस मेरे को इतनी भयंकर नींद आ रही थी ना, इतनी भयंकर नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं थोड़ा थोड़ा गाड़ी चला रहा था और मेरे को झपकी टाइप लग रही थी, तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क। तो मैंने एक आइडिया ईजाद किया, मैंने म्यूज़िक चलाया 50 की वॉल्यूम पर और लिरिकल जो होते हैं ना गाने वो चलाए। मैंने गाते गाते आया हूँ भाई, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो मेरी ड्राइव हुई ना आने वापसी आने की, 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे मेरी ड्राइव थी शूट लोकेशन से वापस घर पहुँचने की, भाई मैं गाने गाता हुआ चिल्लाता हुआ हूँ, ऐसे ऐसे तेज तेज गाने गा रहा था कि जब मैं घर आया हूँ ना गाइस, और जब मैंने सिर्फ मैं लेटा हूँ मेरी आँख लग गई थी, और मैंने अपना अलार्म लगा के सोया था कि भाई मुझे आज भी शूट पे जाना है। सो ये सब हुआ कल पूरे दिनचर्या और रातचर्या में। तो फिलहाल के लिए आई एम ऑन द वे टू द शूट लोकेशन, द सेम लोकेशन वेयर वी शॉट यस्टरडे, सो आई एम गोना सी यू गाइस ऑन द सेट्स देयर। ओके, मैं कैसे आएगा दादा, मेरे को आना है अंदर।
एक सेकंड, ए सी जाऊँ क्या? बाल बाल खराब हो जाएंगे, इसको पकड़ना पड़ेगा। A little, but I'll put it after the ad. That's my director, Joel. Hey, Joel. Hi, hello. We are ready with the setup. इधर ले। वो रहने देना। वो steps रखना। Please, एक कोई दे दो नहीं। ये समझ के आ गए।